नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। यह है अल्कानीर का अल्कलाइन ड्रॉप जो कि 40 ml के अंदर है और लगभग 2,500 लीटर को पानी को यह अल्कलाइन करता है। इस ड्रॉप की क्या खासियत है दोस्तों, अगर आपके पास में पानी है पीने का जिसका TDS 500 से नीचे हो या पीने योग्य पानी हो, जैसे गवर्नमेंट सप्लाई का पानी होता है या फिर आपका RO का पानी होता है, तो उसमें आप एक बूंद डालेंगे 1 लीटर से 2 लीटर पानी आपका अल्कलाइन हो जाता है तुरंत। और इसके क्या बेनिफिट होते हैं दोस्तों, इस पानी को पीने से हमारे जो सबसे पहले बेनिफिट होता है वो होता है आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके बॉडी में जो दर्द होता है एसिडिक बॉडी होने की वजह से वो खत्म हो जाता है, यूरिक एसिड पे फर्क पड़ता है, आपको थायराइड जैसी बीमारियां या जिसको डायबिटिक है उसको भी फर्क पड़ता है क्योंकि आपके पानी को क्षारीय कर रहा है, आपके पानी का pH को बढ़ा रहा है। तो ये प्रोडक्ट कुल मिलाकर मैं ये बोलूं तो ये आपका टॉप टू बॉटम बॉडी के हर पार्ट में काम करता है। हम जो पानी आज के डेट में पी रहे हैं दोस्तों वो है जनरली RO वाटर जो कि एसिडिक होता है, या गवर्नमेंट सप्लाई का पानी जो कि न्यूट्रल होता है उसमें होती है क्लोरीन। तो दोस्तों दोनों ही केस में हमारे पास में जो पानी है वो एक अच्छी गुण का नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो रही है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि देखिए हम कौन सा पानी पी रहे हैं। ये है मेरा RO पानी जो कि हम RO से निकालते हैं और हमें लगता है कि ये हमारा सबसे अच्छा पानी है। देखिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाता हूँ। पानी को चेक करने के जो मापदंड होते हैं, एक तो सबसे पहला होता है TDS। तो हम जब TDS चेक करते हैं, वो मीटर आपको देखा होगा आपने, TDS मीटर जो RO वाले भाई साहब लेके आते हैं, डालते हैं, दिखाते हैं कि आपका TDS कम है या ज़्यादा है। तो एक तो वो तरीका होता है, वो उतना ही दिखाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है दोस्तों pH और ORP जो कि मेन है। आपका पानी हमेशा हाई pH का होना चाहिए, यानी कि 8.5-9 pH का होना चाहिए, तभी आपका पानी अल्कलाइन कहलाता है। देखिए ये जो मैंने RO का पानी लिया है उसका pH आप देख सकते हैं कैसा है मेरा। ये टेस्टिंग के लिए होता है pH लिक्विड और ORP लिक्विड। अब ORP आपका नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि पानी का कलर गुलाबी आना चाहिए। अगर गुलाबी नहीं आ रहा है तो उसका ORP नेगेटिव नहीं है। लेकिन मैं आपको ड्रॉप डाल के दिखा रहा हूँ कि ये जो है मेरा पानी कितना एसिडिक है और ORP तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब इसको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ दोस्तों। ये तो डेमो के हिसाब से मैंने दिखाया है, ये pH ORP आपको मिल सकता है डेमो के लिए। अगर मुझे पानी पीना है तो कौन सा पीना है, ये मान के चलते हमारा सादा गिलास है, 2 लीटर का पानी है, तो मुझे उसमें एक बूंद डालना है। ये देखिए ये मेरा आगे कलर, तो मेरा पानी ये होना चाहिए पीने वाला। मतलब जब मैं इस ड्रॉप को नॉर्मल सादे पानी में डालूंगा तो मेरा पानी का कलर ऐसा आना चाहिए। ये मेरे लिए कुनी पानी है क्योंकि ये ड्रॉप डालते ही मेरा पानी हो जाता है अल्कलाइन। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। अल्कोहल का ये जो हमारा अल्कलाइन ड्रॉप है अल्कानीर का, ये अल्कोहल में भी काफी अच्छा काम करता है। अल्कोहल आपको पता है एसिडिक इन नेचर होता है। मैं थोड़ा थोड़ा लेके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ इसका भी। ये है वोडका, ट्रांसपेरेंट है। देखिए इसका भी हम pH ORP चेक करेंगे। और ये जो वोडका है ये हाईली एसिडिक होता है, तेजाबी गुण होते हैं इसके अंदर, काफी नुकसान करता है। दारू तो अल्कोहल तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, दारू कभी पीनी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं इसका pH क्या है दोस्तों। तो ये देखिए अल्कोहल का pH एकदम एसिडिक इन नेचर और ORP तो ऑब्वियस है इसमें आना नहीं है। ORP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि आपका पानी कितना एंटीऑक्सीडेंट है। सेम टाइम में अगर मैं इस अल्कोहल यानी कि वोडका के अंदर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल भी हमारा अल्कलाइन हो गया है, यानी कि अब जो दारू नुकसान करने वाला था उसके जो नुकसान करने की क्षमता है वो काफी हद तक कम हो जा रही है। ये आपका अल्कोहल का डेमोन्स्ट्रेशन किया है मैंने। ये विस्की है मेरे पास में, मैं आपको विस्की का भी छोटे इस ग्लास में करके दिखा देता हूँ। इसमें कलर येलोइश है तो एसिडिक वाला तो शायद आपको ना दिखे, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का कलर। ये देखिए ये मैंने डाला है pH थोड़ा सा ज्यादा डालते हैं तो पीला में पीला आपको दिख नहीं रहा है। और ORP अभी आपको कलर चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना अल्कलाइन ड्रॉप। तो देखिए विस्की का क्या होता है अल्कलाइन ड्रॉप से, ये मैंने डाला ये और ये डाला मैंने ये, तो आप देख सकते हैं ये आपका कलर पिंक हो गया है, वो येलो कलर की वजह से इसका कलर ऐसा हो रहा है, और ये हो गया है आपका ब्लू। यानी कि विस्की पे भी ये बहुत परफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि विस्की की भी एसिडिटी को ये खत्म कर रहा है। अब हम चलते हैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है जैसे ग्रीन टी का। दोस्तों कहते हैं अल्कलाइन वाटर जो होता है वो ग्रीन टी को मतलब उसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है काफी अच्छा होता है, वो बॉडी के सेल में जाता है और उसको पेनिट्रेट करता है और हाइड्रेट करता है। मैं बता तो रहा हूँ पर डेमोन्स्ट्रेशन में उसका कैसे दिखाऊंगा। तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम ग्रीन टी से कर सकते हैं, सेम डेमो आप जीरा से कर सकते हैं, अजवाइन से कर सकते हैं, सौंफ से कर सकते हैं, लौंग से कर सकते हैं।
तो एक को मैं कर रहा हूँ अल्कलाइन, अपने राइट हैंड साइड वाले को मैं अल्कलाइन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। ये आरओ वाटर है, ये अल्कलाइन वाटर है। देखिए आपको पता है कि जो ग्रीन टी है वो ठंडे पानी में या सादे पानी में अपना कलर नहीं निकालता है। ये मैंने डाला ग्रीन टी इसके अंदर और ये मैंने ग्रीन टी डाला इसके अंदर अल्कलाइन पानी के अंदर। दोनों को मैं सेम टाइम में हिलाता हूँ। आप देखिए ग्रीन टी का असर जो अल्कलाइन पानी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे इजिली इसके अंदर घुस गया है पानी के अंदर और पेनिट्रेट किया है। ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम अल्कलाइन पानी पीते हैं तो इसी तरीके से अगर आप खाने को भी अल्कलाइन पानी में बनाते तो खाने के अंदर जो गुण है ना जो हमें नहीं मिल पाता किसी वजह से वो भी ग्रीन ये अल्कलाइन पानी के अंदर बनने की वजह से गुण आपको मिल जाता है और आपको काफी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, एक और डेमो तेल का। दोस्तों जो अल्कलाइन पानी है वो बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ में आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और साथ में आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव करता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो फैट जो मोटापा आपके बॉडी में जमा हो गया है इतने दिनों में, जो कि हम खान पान है आज के डेट में हमारा जो ऑयली फूड है या छोले भटूरे इस टाइप के जो फास्ट फूड वगैरह है तो हमारे बॉडी में काफ़ी सारे ऑयली जमा होते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो अल्कलाइन पानी है हम जब इसको अपनी जिंदगी में लाते हैं तो वो भी आपका खत्म हो जाता है काफ़ी हद तक। आइए वो भी मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाता हूँ। ये एक ऑयल है, उससे पहले मैं दोनों में आरओ वाटर डाल देता हूँ ताकि आपको नजर भी आएगा। मैं आपको पास से भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब हम अल्कलाइन पानी लेते हैं धीरे धीरे तो क्या होता है हमारे बॉडी के साथ में। ये मैंने लिया ऑयल इसके अंदर, ये मैंने ऑयल लिया इसके अंदर, एक में अब अल्कलाइन का ड्रॉप डालेंगे ताकि आपको डेमोंस्ट्रेशन समझ आए। ऑयल का क्या खासियत होता है कि ये पानी के अंदर आपस में चिपक जाता है, जैसा आपको भी दिख रहा होगा। अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ अल्कलाइन ड्रॉप डाल के, ये इसमें मैं ड्रॉप डाल देता हूँ एक में। अब आप देख सकते हैं कि अल्कलाइन ड्रॉप पानी के साथ में क्या कर रहा है, और ये मैंने इसको भी मिला दिया जिसमें अल्कलाइन नहीं डाला है। इसमें मैंने अल्कलाइन ड्रॉप डाला है, इसके अंदर अल्कलाइन ड्रॉप नहीं डाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों जिसमें अल्कलाइन ड्रॉप डाला है उसने जो ऑयल है उसको फाड़ दिया है, पिक्सेलेट कर दिया है, और इसी तरीके से आपके बॉडी में से ये धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल है, जो वसा है, जो फैट है उसको रिमूव कर देगा। और ये देखिए आरओ वाटर के अंदर क्या हुआ, वो दोबारा से आपस में आकर चिपक गया। तो दोस्तों ये एक डेमोंस्ट्रेशन इसका ये है। अब सेम टाइम में मैं आपको एक डेमो और दिखाता हूँ। अल्कलाइन पानी जो है आपका बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, तो डिटॉक्स करता है मैं आपको बता तो दिया, पर वो मैं डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से आपको कैसे दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से। मैंने दो गिलास लिए और दोनों में मैंने क्या डाला, बीटाडीन लिक्विड। अभी ये आरओ पानी है, अभी मैंने इसको अल्कलाइन नहीं किया, अभी मैं दोनों में डाल रहा हूं बीटाडीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10 दोनों में एक समान मैंने बीटाडीन ले लिया है। दोनों को हम हिलाते हैं। देखिए बीटाडीन की वजह से क्या हुआ, इसमें पानी थोड़ा ज्यादा है तो मैं इसी में अल्कलाइन ड्रॉप डाल के दिखाता हूँ। ये दोनों ही आरओ पानी है, आरओ पानी के अंदर बीटाडीन डिजॉल्व नहीं होता, यानी कि डिटॉक्स नहीं हो रहा है। डिटॉक्स करने का मतलब जो अल्कलाइन पानी जब हम पीते हैं तो आपके बॉडी से विषैला जो तत्व है वो निकल जाता है। हम बता तो देते हैं कि निकल जाता है, पर उसको हम डेमो के माध्यम से कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपका अल्कलाइन ड्रॉप है और ये मैंने डाला इसके अंदर, और अब देखिए अब कमाल, ये आपका विटामिन का डेमो है दोस्तों। तो बाकी आप जब मार्केट में इस ड्रॉप के साथ में उतरोगे तो आपको एक क्वेश्चन और भी आएगा, क्योंकि हमारे पेट के अंदर पेट से रिलेटेड क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मुझसे कई बार पूछा है, तो मैं सोचा आपको इस वीडियो में बता दूं। पेट के अंदर दोस्तों एससीएल एसिड होता है और एससीएल एसिड काफी स्ट्रांग होता है, और लोग बोलते हैं कि सर हम अल्कलाइन पिएंगे या ज्यादा खाएंगे तो हमारा पेट का एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेट के अंदर एससीएल एसिड होता है जो कि इस कोल्ड ड्रिंक से तो ज्यादा स्ट्रांगेस्ट भी होता है। ये क्या है, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक, कोक, पेप्सी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक है मार्केट में वो सब हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं और इसको हम तसल्ली से पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। आइए जरा हम इसका डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। कि ये कितना स्ट्रांगेस्ट है, इसको मैं पहले आपको इस लेवल पे दिखाऊंगा।
कि देखते हैं पहले इसका पीएच, जो इसका पीएच है वो देखिए कितना खतरनाक है। मैंने इसमें ज्यादा वो लिया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊं डेमोन्स्ट्रेशन। और अब पीएच देख सकते हैं इसका, तो ये 1 और 2 के बीच में जा रहा है इसका पीएच कोल्ड ड्रिंक का। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये मेरे पेट में कोल्ड ड्रिंक गया, जो कि जो हमारे पेट के अंदर एसिड है HCl, उससे तो कमी स्ट्रांग है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये डालता हूं, और अब मैं दिखाता हूं आपको डेमोन्स्ट्रेशन किसके साथ में, अल्कलाइन ड्रॉप के। अगर ये मैं इसको ज्यादा डाल रहा हूं ताकि आपको कलर इजीली समझ में आए, अगर मेरे पेट के अंदर ये जा सकता है और उसको जब मैं अपने अल्कलाइन ड्रॉप से कोशिश करता हूं अल्कलाइन करने का, तो हम देखते हैं क्या वो अल्कलाइन हो पाता है, मैंने कितना ड्रॉप डाला है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अल्कलाइन नहीं हुआ। तो ये जो डेमो है इससे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो अल्कलाइन ड्रॉप है इतना खतरनाक नहीं है कि आपको पेट को अल्कलाइन कर देगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा इस अल्कलाइन ड्रॉप का ये डेमोन्स्ट्रेशन काफी पसंद आएगा। धन्यवाद।